हर हर महादेव दोस्तों, एक बार एक इंसान ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि स्वामी जी, सब कुछ खो जाने से भी ज्यादा बुरा क्या है। तब स्वामी जी ने उसको एक प्यारा सा जवाब दिया। स्वामी जी कहते हैं, वो उम्मीद खो जाना जिसके द्वारा हम फिर से सब कुछ पा सकते हैं। तो इसी उम्मीद से दोस्तों, मैं भी भोले बाबा के पास आगे बढ़ता जा रहा हूँ और जो मेरी साइकिल है वो नीचे रखी हुई है। और अभी तक दोस्तों मैंने 7 ज्योतिर्लिंग साइकिल से दर्शन कर लिए हैं। आप दोस्तों मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं उनको ज़रूर जाके देख लें। और इस वक्त हम लोगों ने हमारा टेंट लगाया हुआ है रुद्रप्रयाग जिले में, और यहाँ का जो मौसम है काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका है। आज थोड़ा नाइट में ज़्यादा सर्दी थी और हम लोग क्या पूरा पहाड़ी से घिरे हुए हैं। पीछे भी पहाड़ी, इधर सामने भी पहाड़ी, पूरा मतलब माहौल पहाड़ी से घिरा हुआ है। आपको पूरा लोकेशन दिखाता हूँ, नीचे नदी भी बह रही है। ये हमारा टेंट लगा हुआ है और एक वो भाई का टेंट लगा हुआ है और साइकिल्स जो है हमारी वो इसके नीचे रखी हुई है। हमारा ये देखो पूरा पहाड़ी, और गुप्तकाशी जो है 48 किलोमीटर से है, तो आज हम लोग क्या गुप्तकाशी पहुंचने वाले हैं। अभी ना दोस्तों, इतने दिनों से काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, अब आराम से मेरे को ठंडक मिल रही है, तो साइकिल चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और हाईवे पे ये जो रोड्स है, तो ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ मैं, क्योंकि पूरा ढलान है अभी, तो ढलान वाला एरिया है और एक तरफ पूरा पहाड़ी है और दूसरी तरफ खाई है, पूरा नदी है। और अगर नीचे गिरे तो आपको पता ही है क्या होगा, कुछ भी नहीं बचेगा नीचे गिरेंगे तो इसलिए ज़्यादा मैं वीडियो शूट नहीं कर रहा हूँ, सेफली साइकिल चला रहा हूँ अपनी, क्योंकि ऐसे रास्तों पे ज़्यादा रिस्क लेना बेकार है। और बढ़िया, हम लोग क्या रुकते रुकाते हुए आ रहे हैं, आराम से साइकिल चला रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है दोस्तों अभी हम लोगों को। आपको सामने का माहौल दिखाता हूँ, कितना मज़ा आ रहा है और कितना रिस्की माहौल है पूरा। क्या रास्ता है यार दोस्तों, काफ़ी देर से साइकिल चला रहा हूँ, और पिछली बार जब मैं केदारनाथ आया था तो इसी डॉगी को मैंने बिस्किट खिलाई थी। ये ले, आजा 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 आजा। अभी चलते हैं थोड़ा सा आगे, ये जो पुल है इसको क्रॉस करेंगे, फिर उसके बाद आगे कहीं पे रुकेंगे, क्योंकि दिन भर से चल रहे हैं हम लोग और खाना वाना खाएंगे, थोड़ा शाम होने का समय है, मौसम में भी मज़ा आ रहा है, पहाड़ियाँ चारों तरफ हैं, साइकिलिंग करते वक्त काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, आराम मिल रहा है, पूरा ठंडा मौसम हो चुका है। अभी यहाँ से दोस्तों सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी हम लोगों को पूरा ग्लेशियर से ढका हुआ, बर्फ से ढका हुआ पहाड़ी भी दिखा था। आपको दिखाता हूँ, अगर मोबाइल में थोड़ा बहुत दिख जाती है तो। वो देखो सामने बीच में जो पहाड़ी है वो, पूरा बर्फ से ढका हुआ पहाड़ी है। आज तो दोस्तों हम लोगों ने लगभग 60 किलोमीटर साइकिल चला दी पहाड़ी पे, क्योंकि रास्ता इतना मतलब था नहीं, मतलब इतना ऊपर तक घाटी जो थी नहीं थी ज़्यादा, और जो भी डेंजरस और उत्तराखंड का डेडलीस्ट पॉइंट जिसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग से एक घाटी पड़ती है, तो वो तो हमने क्रॉस कर दी। बिल्कुल रिस्की जगह में से हम लोग निकल के आ गए हैं अभी, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा रिस्की जगह थी वो। और अभी तो दोस्तों चला रहा हूँ साइकिल, और लेकिन दोस्तों आप लोग मेरे को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो। यहाँ पर खाना वाना भी बहुत ज़्यादा महंगा है दोस्तों, बहुत परेशानी आ रही है। और अगर आप लोग दोस्तों मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट करना चाहते हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे रखा है, तो प्लीज़ अगर आप लोग मेरे को थोड़ा बहुत भी सपोर्ट करना चाहते हो तो आप अपनी तरफ से जो भी है कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो मेरे लिए, बाकी आपकी इच्छा और भोले बाबा जाने सब कुछ। और कभी भी यहाँ पर लैंडस्लाइड हो सकता है, क्योंकि ये देखो पूरा रोड छोटी सी रोड है और गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, और साइकिल चला रहा हूँ मैं, छोटा सा रूट है, बिल्कुल छोटा सा। अभी दोस्तों पत्थर गिर रहे थे लेकिन हम लोग क्या आगे निकल के आ गए, और ये देख सकते हो आप पूरा लैंडस्लाइड हो रही है इधर धीरे धीरे। अभी आपको कहीं ना कहीं पत्थर गिरता हुआ मैं वीडियो में रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा, ज़रूर दिखाऊंगा आपको। और हल्की हल्की बारिश भी होने लगी इधर, तो दोस्तों बहुत
बहुत ज़्यादा रिस्की माहौल हो रखा है इधर। अभी कुछ ही समय में दोस्तों मैं गुप्तकाशी पहुँचने ही वाला हूँ। ये ऐसी रोड है जहाँ पर ट्रक और गाड़ियों की जान निकल जाती है और मैं साइकिल लेके निकल पड़ा हूँ। अभी जैसे तैसे चढ़ा रहा हूँ, सब भोले बाबा की शक्ति है। सामने मुझे भोले बाबा दिख रहे हैं, बस वो भोले बाबा मुझे अपनी ओर खींचते हुए ले जा रहे हैं। मैं जब गुप्तकाशी ऊपर पहुंच जाऊंगा वहां से आपको नीचे का नज़ारा ज़रूर दिखाऊंगा वीडियो में। कैसा मज़ा आया हाँ भाई लोग, हो रही रोड, ये रही रोड, यहाँ से पूरा चढ़ते हुए ये पूरा रास्ते से हम लोग, ये रही मेरी साइकिल, हो रही भाई की साइकिल, और भी अभी इस वाली पहाड़ी के पीछे से जाना है। अभी तो हमें 4 किलोमीटर और जाना है, गुप्तकाशी के शिव मंदिर में रुकेंगे आज हम लोग। तो हम लोग आए हैं उधर से, वो येल्लो कलर का दुकान देख रहे हो ना आप, वहाँ से आए हम लोग चढ़ते हुए। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं गुप्तकाशी में प्राचीन शिव मंदिर में। तो ये जो मंदिर है वो है काशी विश्वनाथ भगवान का। जब पांडवों ने कौरवों का वध किया था तो उसकी गिलानी के निवारण के लिए, उसकी क्षमा मांगने के लिए पांडवों ने भगवान शिव से माफ़ी मांगी और उनकी तपस्या की, लेकिन भगवान शिव ने उनको माफ़ नहीं किया। तो पांडव जो थे भगवान शिव को ढूंढते जगह जगह पर रुकते हुए आए, और भगवान शिव जो हैं वो बार बार छुप जाते थे और पांडवों को नहीं मिलते थे। तो ऐसे ही छुपते छुपते भगवान शिव जी गुप्तकाशी के ये मंदिर जो है यहाँ पर आए और यहाँ आकर छुप गए। और जब पांडवों को पता चला तो वो लोग यहाँ पे आए और भोले बाबा की तपस्या की, पर भोले बाबा ने उनको दर्शन नहीं दिया और यहाँ से गुप्त होकर चले गए। इसलिए दोस्तों इस जगह का नाम और इस मंदिर का नाम गुप्तकाशी कहलाता है। तो अभी दोस्तों हम लोगों ने टेंट लगाने की जगह जो है ढूंढ ली है और बहुत ही अच्छी जगह है, तो टेंट लगा लेंगे, सामने अच्छा व्यू मिलेगा सुबह उठेंगे जब हम लोग। और ये भाई ने तो अपना टेंट लगा लिया है, मैं थोड़ा लेट लगाने वाला हूँ, थोड़ा लेट टेंट लगाऊंगा क्योंकि मैं इधर घूमूंगा आराम से आधा घंटा, फिर उसके बाद टेंट लगाऊंगा यहाँ पर। और चलिए आज की जो जर्नी है मेरी उसको यहीं पर करता हूँ एंड। तब तक अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और अगर पहले से आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और हर हर महादेव।